भाई माज में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ देखो भाई ये है कोमल, ये हो चुकी है सोल्ड आउट माशाल्लाह। ये मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट जानवर है रोज के बाद, ठीक है। जानवर जो है मतलब नो डाउट ऑन टॉप है पूरा, देख रहे हैं फिनिशिंग में। खिलाई खिलाई थोड़ा घुमाइए इसको, बहुत दिन बाद निकली है और इसको थोड़ा सा इसका आप लोगों के सामने खेला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह पूरा ठीक है, एकदम पंजाब बाछी का जो है ना एकदम 100% फील दे रहा है। वैसे अगर हम लोग बोले इसकी ब्रीड की बात तो भाई ये है आंध्रा में, क्वालिटी आप लोग देखें माशाल्लाह क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और स्पेशली जो बना है ना बहुत अच्छा बना, मतलब पूरा फुटबॉल। घुमाइए मोहिदुल भाई जानवर देखें आप लोग। जानवर पहले जो है ना एक डेढ़ महीने पहले आप लोग देखे होंगे कि जूठी का तरफ जो छाई था, बट अभी आप लोग देखें पूरा मिल्की वाइट ब्यूटी हो चुका है, ठीक है। और वही चीज़ है मांस कटल फार्म का खासियत यही है कि जानवर एंड में जब आप लोग घर लेके जाएंगे तो पूरा मिल्की वाइट जानवर दिखेगा आप लोगों को, वही चीज़ है मेन। तो भाई ये है कोमल जो कि हो चुकी है माशाल्लाह सोल्ड आउट, और कुर्बानी लवर जो भी लिए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो समझ सकते हो मैक्सिमम जानवर सोल्ड आउट हो चुके हैं, लिमिटेड स्टॉक्स जो है वो लेफ्ट है मांस में, ठीक है। लाओ लाओ सामने लाओ लाओ मोहिदुल भाई, ठीक है। तो ये था मांस कटल फार्म की वन ऑफ द बेस्ट बाछी कोमल, देखते हैं। चलो हो गया तो भाई लोग अभी फिलहाल मांस कटल फार्म में कोमल को दिखाए, अब आप लोगों को दिखाने वाले भाई जो लिए हैं इसको उनसे एक बार आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई से मुलाकात करते हैं हम लोग। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप ये बताइए, ठीक है। तो भाई आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ के आए आप? मेरा नाम सलमान है, हम लोग शिवपुर के आई रोड से। वाह शिवपुर से आए आप, चलिए। तो काउस घाट की तरफ रहते हैं आप लोग? काउस घाट हुआ शिवपुर? नहीं उधर नहीं, उधर से थोड़ा 10 मिनट जाना पड़ेगा। 10 मिनट आगे है ना। तो भाई आप मतलब एक जानवर लेते हैं कि और मतलब 3 से 4 लेते हैं? नहीं फिर हम लोग 2-3 ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल एक तो हुआ है। एक तो यहाँ से हुआ ना। आपको जानवर जब आए थे, जब आप देखे थे तो आपको कैसा लगा था ये फर्स्ट नज़र में? नहीं हम लोगों को तो देखने में पहली नज़र में उसको मतलब अच्छा लग गया था। हाँ, पहली नज़र में ही पसंद आ गया। बट अभी हम देख रहे हैं कि जानवर फुल वाइट और हो गया है, पूरा मतलब मिल्की वाइट हो गया है, ठीक है। तो भाई आप बताइए, आप जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा अपना कि आप जब यहाँ आए आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जेन्युइन बताइए, कोई किसी का साइड लेके नहीं, आपका जो ओनर का व्यवहार रहा सौदा करने टाइम, पूरा ओवरऑल बताइए, आपको रिव्यू दीजिए आप। अभी हम लोग यहाँ पर जब आए थे जी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आए। ऐसा नहीं कि 2-3 दफा आए, एकदम फर्स्ट टाइम। मतलब यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम हुआ भी है, वैसे लोकेशन नया चेंज हुआ था, पहले अंदर में था, इस बार बाहर आया। एकदम ही फर्स्ट टाइम आए हम लोग जी 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 यहाँ मांस कटल में। तो अब आए तो देखें इन लोगों का, मैंने पहले से हम लोगों का व्यवहार अच्छा लगा है ना। ऐसा नहीं कि नया लोग आया है, नया भी उतना होता ऐसा है कि नए लोग आते हैं तो बहुत कोई इग्नोर कर देता है कि भाई कौन है, नहीं है वैसा नहीं है जी जी जी। मतलब सिर्फ हम लोगों की नहीं, बाकी लोगों से हम लोग भी पूछे जी जी, सभी का एक ही कहना है कि इन लोगों का व्यवहार अच्छा है। और इस फार्म का जो मतलब टॉप 5 जानवर अगर हम बोले तो उसमें से अगर गाय का सेक्शन उठाए तो ये टॉप 2 में आती है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले में तो महारानी है इस फार्म की सबसे बड़ी गाय। 2 नंबर में अगर बोले तो सबसे अच्छा रेडी जो है वो ये हुआ है कोमल, क्योंकि भाई जब आई थी फार्म में तब से मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ बहुत डेवलपमेंट आ गया है। भाई आप बताइए ओनर में, आप जब सौदा कर रहे थे तो आपको कुछ तकलीफ हुआ? ऐसा लग रहा था कि आपको कि नहीं हो पाएगा? नहीं वैसा तो नहीं लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग किए तो नहीं, फर्स्ट टाइम भी हो गया है ना। उतना ज़रा हम लोग क्या बोलते हैं, उतना बार्गेनिंग नहीं करना पड़ा है ना, मतलब ऐसा लगा सटा सटी बात हुआ। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा भाई और बताइए कि आप लोग मतलब पहले से मतलब ये मतलब आपको शौक है जानवर करना, या फिर आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, या फिर हाल फिलहाल हुआ? हम लोग तो बचपन से ही आते हैं ना, मतलब बचपन से शौक था लोग के साथ, बचपन से ही आते। ये तो मैंने हर साल का एक त्यौहार रहता है कि जाएंगे एक साथ सब मिलके खरीदेंगे है ना। अब पहले आप लोग जब जाते थे जैसे फार्म्स आपको पहले देखने को मिलता था, अभी जो आप लोगों को फार्म्स देखने को मिल रहे हैं मतलब जब अपडेट हो रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत ही बेहतरीन है। पहले जाने में भी थोड़ा संकोच लगता था, घर से मना करते थे कि जाएगा पूरा गंदगी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब पाँव में कादा वगैरह। फार्म में आता है ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मॉल में घूम के आया, लग रहा है मॉल में घूम के आया, जानवर को देख करके आ रहे हैं ना।
और अच्छा भी लगता है, एक ब्रांड से ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप ये बताइए, आप लोग के कौन कौन है, कौन कौन भाई लोग है? मेरा भाई है। ये आपके भाई है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम भाई? साहिल खान। साहिल खान। और भाई ये लोग? ये भी सब मेरा छोटा भाई है। सब छोटे भाई लोग, भैया है। आप लोग सब शौकीन है? तो चलिए, बछिया का शौकीन है। वाह, चलिए माशाल्लाह भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जानवर लिया है। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह जब भी ये जानवर उतरेगा, वैसे तो मेरा मतलब समझ जाइए रिलेटिव के यहाँ पर, हम लोग का भी वहाँ पर घर है तो शिवपुर में काउस घाट के तरफ, तो और इंशाल्लाह जब ये उतरेगा तो भाई जरूर दानियल ब्लॉग्स आपका लोडिंग अनलोडिंग बनाएगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, दुआ करिएगा कुर्बानी कबूल हो जाए इंशाल्लाह। ये देखो भाई, ये दोनों जानवर निकला हुआ है माशाल्लाह। जानवर देख रहे हैं आप लोग? भाई साहब पूरा मतलब बड़ी गाय जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम वही है। तो भाई ये सब जानवर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेडी हुआ है, बिक्री हो गया ये वाला। तो ये दोनों जानवर अभी अवेलेबल है माशाल्लाह। साइज देखे जानवर का यार, ठीक है। जानवर देखे आप लोग, ये देखे, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो माशाल्लाह, ठीक है। तो ये जानवर मास कैटल फार्म में अवेलेबल है। आइए आप लोग थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्वालिटी देखे जानवर का, ठीक है माशाल्लाह भाई, जल्द से जल्द आए, क्वालिटी आप लोग देखें। ये देखे भाई एकदम खड़ी गाय, एकदम खड़ी। ये देखो भाई, ये देखो, ठीक है माशाल्लाह। और एक ये वाला है, ये तो बहुत ही बड़ी गाय है माशाल्लाह। इसको भी खोलते हैं, पहले आप लोग ये देख लें। बांध दीजिए इसको, और इसको एक बार खोल दीजिए। बहुत अच्छी गाय है ये वाला। अभी भाई लोग का इंटरव्यू लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा भाई का इंटरव्यू। जब आप लोग इन्जॉयमेंट देखते हैं ना तो भाई, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीज़ मेन है। क्वालिटी आप लोगों को कंटेंट में मिलना चाहिए, रॉ व्लॉग मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो दिखा रहे वो दिखावा है, नहीं, वो एक शौक बढ़ाने का जरिया है। तो भाई वही चीज़ है, दानियल व्लॉग्स हमेशा कभी भी ये चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि दिखावा को या एक्सपेंसेस को, कभी भी ये चीज़ प्रमोट नहीं करते हम लोग। हम लोग एक चीज़ प्रमोट करते हैं जो कि होता है शौक, प्योर शौक, ठीक है। रात के 11 बज रहे लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? शौक के लिए। और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है, जानवर कितने सेल हो रहे हैं, जो सेल हो रहे हैं उनका रिव्यू दिखा रहे हैं, और एक माहौल दिखा रहे हैं रॉ व्लॉग में, ठीक है। खोलिए अर्जुन भाई, एक बार इसको खोल दीजिए, इसको एक बार खोल दीजिए, एक झलक दिखा दे, क्योंकि बहुत बड़ी गाय है। मतलब ये पोर्शन देखें आप लोग, मतलब कितना रिफाइंड है, बड़ी गाय है माशाल्लाह, ठीक है। तो एक ये गाय हो गई, ठीक है, ये देखा भाई, ठीक है, बांधिए सामने, बांधिए सामने, बांधिए। बहुत बड़ी गाय है फ्रेंड्स माशाल्लाह, टॉप नॉच, मतलब वेट ले चुका है। स्किन क्वालिटी और अच्छा हो जाएगा, 10 दिन है जानवर, गर्मी जितना मिलता है जानवर को उतना ज़्यादा, मतलब जानवर जो है वो रिफाइन होता है, वाइट होता है स्पेशली। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई, ये जानवर है, क्या क्वालिटी है भाई, बनी हुई है, खड़ी हरियाणा है, और क्या चाहिए। तो ये अवेलेबल है, आइए आप बात कीजिए फार्म में, और दानियल ब्लॉग्स का कोड यूज़ कर सकते हैं सौदे के बीच में। अगर आप लोग DV यूज़ कीजिएगा तो आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा डिस्काउंट बोला जाएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू आइएगा तो। चलो भाई, ये जानवर माशाल्लाह लाइफ सोल्ड हो चुकी है मास कैटल फार्म से। बाछी जो है ये काफ़ी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बाछी है, ये हो चुकी है लाइफ सोल्ड, ठीक है माशाल्लाह। ये देखें, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो खड़ी नहीं रहेगी, बांध दे, बांध दे, ठीक है, एकदम नहीं रुकेगी, काफ़ी खूबसूरत बाछी है, यंग है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलो भाई जो है वो ले चुके हैं माशाल्लाह, लाइफ सोल्ड फ्रेंड्स हुआ है आज। तो भाई ये जानवर लिया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद, कहाँ के आप? खिदिरपुर भाई। वाह खिदिरपुर। तो ये जानवर आप लिए, आपको सबसे पहले पसंद था कि आप, मतलब आप आकर के चॉइस किए? भाई यहाँ सभी जानवर पसंद आ रहा है भाई, ये माशाल्लाह अच्छा था, ये पसंद आया तो इसलिए। मतलब आप लोग बहुत बड़ा बड़ा नहीं करते, मतलब बाछी करते, ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज में बाछी है ना। चलिए, तो ये जानवर आप लिए, आपको ओनर का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है ना, बातचीत अच्छा, व्यवहार अच्छा, बातचीत वगैरह बहुत अच्छा है ना। तो जानवर आपको अच्छा लगा तो? हाँ भाई अलहमदुलिल्लाह। तो भाई इस जानवर का नाम क्या है, इस जानवर का नाम क्या भाई, ये बता दें। चलिए, निदा नाम है, ठीक है। तो भाई ये जानवर ले चुके हैं, जा रहा है फ्रेंड्स खिदिरपुर बाछी, और भाई का रिव्यू आप लोगों को बता दिए हैं जो भाई ने लिया। ये है भाई डेविल, पूरा घोड़ा है भाई,
इसका नाम डेविन ने घोड़ा होना चाहिए था, एकदम पूरा घोड़ा का। दड़ा जी दड़ा थोड़ा कुदा ना, बहुत देर बाद निकला ये। ये जानवर अभी लाइव शोल्ड हुआ, मैं दिखाया था आपको। अभी इस जानवर को जो है आप लोगों के सामने थोड़ा उड़ाता हूँ। देख रहे हैं फ्रेम, देखिए आप लोग जैसे खड़ा है, माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो पूरा घोड़ा है, ये देखो भाई, ओहो क्वालिटी चीज है भाई। देख रहे हैं पूरा घोड़ा का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम वही है। तो भाई ये जानवर अभी अनलोडिंग हो रहा है, माशाल्लाह क्वालिटी आप लोग देखें। देखो भाई पूरा एकदम मतलब प्योर वाइट जानवर है, ठीक है, माशाल्लाह मीडियम साइज में फ्रेंड्स, बहुत अच्छा जानवर है। देखें फ्रेंड्स मास कैटल फार्म हर साइज का अच्छा अच्छा जानवर माशाल्लाह रखते हैं। तो एक जैसे कि ये अनलोडिंग हुआ है, एकदम प्योर वाइट जानवर है माशाल्लाह, और क्वालिटी देखें एकदम प्योर, मतलब जानवर जिसको हम लोग बोलते हैं ना वाइट मिल्की बनी हुई गाय, एकदम वही है भाई, मतलब शॉकिंग चीज़ है ये वाला, ना ज़्यादा दिखावा ना ज़्यादा मतलब कुछ, अच्छा जानवर है साइज में बनी हुई है। अभी अनलोडिंग हुआ ये वाला, आइए फार्म के अंदर चलते थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का माहौल। कि रात के अभी फ़िलहाल कुछ बज रहे हैं, आप लोगों का 10:30 का माहौल दिखाते हैं, ठीक है। सब जानवर अभी फ़िलहाल रेस्ट में है, यहाँ से कुछ कुछ जानवर अवेलेबल हैं, आप लोग आए बैल में, बाकी यहाँ से भी बहुत सारे सेल हो चुके हैं। ये जानवर है अवेलेबल, फिर यहाँ से आप लोगों का शान माज, ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर ए टू जेड कलेक्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वाला बात करें, यहाँ से कुछ कुछ अवेलेबल है, वो तो मैं फुल फॉर्म टूर में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। बहरहाल जो भी अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, आप लोग आकर के उन सब के लिए बात करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जानवर निकल रहे हैं और एंड में जो है वो जानवर कम रह जाएंगे, इसीलिए अभी ही लेकर के आप लोग भाई टेंशन ख़त्म कीजिए। फिर यहाँ पर सब है नूरे माज, ये भी सोल्ड आउट है, बाकी पीछे में भी अच्छी अच्छी बड़ी गाय है, रोज़ सोल्ड आउट है, बगल में कोमल सोल्ड आउट है, जिसका भी इंटरव्यू दिखाया आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पर से भी कुछ कुछ जानवर हैं अवेलेबल, वो आप लोग आकर के बात करें। ये वाला भी सोल्ड आउट है, शबान लिया है ये, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से मोहम्मद शबान को। फिर सब यहाँ पर है ये लाइन में, ये लाइन में भी सभी मैक्सिमम जानवर हैं, और मतलब बहुत कुछ निकल गया, बहुत कुछ है, वो आप लोग आकर के रब्ता करें। फिर यहाँ से भी आप लोग देख लें, ये हमारा मुफासा रिकी भाई शब्बीर भाई तोपसिया में जाने वाला है, ये वाला बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, पंगनूर है ये जानवर उतरेगा तोपसिया में, कोहिनूर मार्केट शब्बीर एंड रिकी भाई के यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर हम लोग अंदर की बात करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को एक जानवर का लोडिंग अनलोडिंग दिखाऊंगा यहीं से, और यहाँ पर से ये जानवर अवेलेबल, अच्छा रेंज भाई छोड़ देंगे, जल्द से आओ, अच्छा रेंज में आप लोगों को कम दाम में दे देंगे भाई, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को बार्गेनिंग है, वो फलाना ढिमकाना नहीं, अच्छा रेंज में मिल जाएगा। कांकरेज करो भाई, आप लोग कांकरेज की जो शौकीन आकर के ये लो भाई, ऐसा नहीं है कि ख़राब कांकरेज है भाई, अच्छा है, झालर पट्टी जूठी वगैरह देखोगे तो भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए जानवर अच्छा है, ठीक है, आप लोग अच्छा दाम में दे देंगे ये वाला। फिर ये वाला तो सोल्ड आउट है, कमांडो सरताज भी सोल्ड आउट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग को इसका लोडिंग अनलोडिंग दिखाऊंगा। बादशाह सोल्ड आउट है, तीनों जानवर यहाँ से जो प्रीमियम टॉप नॉच क्वालिटी था वो सोल्ड आउट हो चुका है, स्पेशली कमांडो तो भाई एंड है, बहुत गोल है। फिर पंगनूर इज़ ऑल्सो सोल्ड आउट नाउ। फिर हम लोग यहाँ पर से अगर आते हैं, ये बॉनी बॉनी का जो लाइन है, बोना बॉनी का, यहाँ से भी मैक्सिमम निकल गए हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं। फिर बैल के लाइन से तो मैक्सिमम ही निकल गए, यहाँ से एक जी ये वाला जो कांकरेज है ये बचा हुआ है। फिर लास्ट लाइन से ये पूरा समझ जाओ अलग सेक्टर हो गया, यहाँ से भी मैक्सिमम जानवर निकले हुए हैं। कौन कौन से हैं वो आप लोग आकर के रब्ता करें, यहाँ से बहुत कुछ नेक्स्ट ईयर का है, ये दोनों नेक्स्ट ईयर का है, ये वाला नेक्स्ट ईयर का है, फिर पीछे में भी बहुत सारे जानवर बिक्री हो चुके हैं। फिर एक ये वाला जो कांकरेज है, वन ऑफ द बेस्ट कांकरेज फ्रेंड्स सिंह के हिसाब से, मास कैटल फार्म का ये वाला, इंशाल्लाह इसका भी लोडिंग और लोडिंग बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगा, ये भी सोल्ड आउट है। फिर पीछे में अगर हम लोग आए तो फिर ये हरियाणा का पूरा कलेक्शन है, जो मीडियम रेंज के थे 50,000 से लाख रुपए के बीच में आप लोगों को ये सब जानवर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ से भी बहुत सारे जानवर सभी निकल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भाई बचा हुआ है, सभी जानवर निकल गया है। ये वाला देखें आप लोग माशाल्लाह, ये हमारे मुताहिर सर का है जो है हमारे सबसे अच्छे मित्र। फिर ये है एक, ये भी निकल चुका है। फिर बाकी सब जानवर आप लोग देखें, यहाँ से भी सभी निकल गया है समझ जाओ, ठीक है। तो ये है फ़िलहाल सूरत हाल फार्म का माशाल्लाह।
लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों का एक लाइक वही चीज़ है भाई, कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी फिलहाल अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, कस्टमर्स के रिव्यू आएंगे और आप लोगों के सामने बेहतरीन कंटेंट्स देने की कोशिश करूंगा। लोडिंग अनलोडिंग अब बहुत जल्द शुरू होने वाला, तो उसके लिए भाई स्टे ट्यून्ड। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।